इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। अमेठी ने ग्राम रोजगार सेवा के मुख्यालय अमेठी स्थित कलेक्टर सभागार पहुंचकर मुख्यमंत्री को सौंपा। ग्राम रोजगार सेवकों ने दिया ज्ञापन में कहा कि 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो वृंदावन लखनऊ में मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर शासन स्तर पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार व वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर अवगत कराया गया। वर्तमान समय में मानदेय 7788 रुपीस प्रति माह मिल रहा है, परंतु 2212 रुपए विगत 22 माह बाद भी ईवीएफ के यूनियन के खाते में जमा नहीं किया गया, जिससे किसी भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर उसके आश्रित को कोई लाभ नहीं मिल पाता। मृतक आश्रित को उसी पद पर समायोजना की कराया जाए। ग्राम रोजगार सेवक को मूल ग्राम पंचायतों के साथ साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य किया जाए। इस संबंध में 31 से 20 22 को पत्रांक संख्या 1086 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रस्तावित प्रेषित किया जा चुका है। मानव संसाधन नीति के संबंध में 31 मई 2022 को पत्रक संख्या 1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्तावित प्रेषित किया जा चुका है। ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही न हो, इस संबंध में पत्रक संख्या 1085 के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा पत्र शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अंतर्गत 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे, परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास में मुख्यमंत्री आवास की जियो टैग के ही कार्य जोड़े गए हैं। अन्य कार्यों को भी जॉब चार्ट में जोड़ा जाए, वह बकाया मानदेय दिया जाए। राज्य कर्मियों का दर्जा ग्राम रोजगार सेवक को दिया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष पवन कुमार गौतम, महामंत्री शेर बहादुर सिंह, जिला प्रभारी मेवालाल गौतम सिंह, सहाय तिवारी, राजकुमारी संगीता देवी, आरती संतोष सिंह, नवनीत पांडे सहित सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे। अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुला करके सम्मान सहित कुछ घोषणाएं की, जिसमें यह था कि मानदेय वृद्धि हो। मानदेय वृद्धि का तो शासनादेश जारी हो गया, और उसके साथ यह था कि जॉब चार्ट हम लोगों की वृद्धि कर दी जाए, वो नहीं जारी हुआ। उसके साथ ये था कि HR पॉलिसी हम लोगों को लागू हो, उसका आदेश नहीं जारी हुआ। हम लोगों की जो है नियुक्ति जो निष्कासन की व्यवस्था है वो बगैर DC के उपायुक्त एवं रोजगार के हस्ताक्षर के ना हो, वो नहीं आज तक जारी था। इसके साथ साथ कुछ मांगे मेरी और है कि हम लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जब ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है तो उसमें हमको 50% जो है हम लोगों को आरक्षण दिया जाए, और हम लोगों का मानदेय 18,000 कर दिया जाए। यह साथ में जो हमारे मृतक साथी ख़त्म हो गए हैं उनकी स्थान पर जो है उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे दी जाए। किसको लिखा है? मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन है, मैंने DM साहब के द्वारा है, इसके लिए इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।